हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, है ना। मोनेरा तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। अब प्रोटिस्टा किंगडम ना बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि प्रोटिस्टा किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनको आपने कभी रियल लाइफ में तो देखा नहीं होता, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड हैं, तो भाई माइक्रोस्कोपिक हुए ना, और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आपको याद नहीं रहते। तो मैंने इस किंगडम को इजी करने के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स यहाँ पर ली है, जिसके थ्रू आई प्रॉमिस कि आपको ये किंगडम बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई आज का लेक्चर, किसी को भी मिस नहीं करना है, अच्छे से पूरा देखिए। और आई प्रॉमिस कि इसके बाद आप किंगडम प्रोटिस्टा को भूलोगे नहीं। बट हाँ, एक प्रॉमिस आपको भी करना है मुझसे कि डाइवर्सिटी को जब भी पढ़ोगे ना, तो इस थंब रूल के साथ पढ़ोगे कि हमको डाइवर्सिटी को बार बार रिवाइज भी करना है, अगर नीट क्रैक करना है तो। ऐसे ही मज़े मज़े में पढ़नी है तो बात अलग है, बाकी नीट के लिए अगर सिंसियर हो, क्योंकि पता है आपको क्या, डाइवर्सिटी में जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो बिल्कुल हमारी लाइफ में रोज़ हम जिन लोगों से मिलते जुलते हैं ना, बिल्कुल उनकी तरह होते हैं। जैसे जिन लोगों को आप, या तो किसी के साथ आप बहुत टाइम तक रहे हो तो आपको वो पर्सन याद रहता है, या जिनसे रोज़ मिलते हो, रोज़ जान पहचान होती है, वो लोग आपको याद रहते हैं। जिनसे कभी इक्का दुक्का बहुत सालों पहले मिले हों, उनका तो नाम तक हमें याद नहीं रहता। तो बिल्कुल वैसे ही डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी में क्योंकि आप नए नए ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हो, तो अगर उनसे बीच में एक आध मुलाकात करते रहोगे अपने नीट के एग्जाम तक, तो वो तुम्हारे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। बट अगर इस आज आपने पढ़ा और उसके बाद उठा के रख दिया और सीधा नीट के एग्जाम के पहले रिवीजन में उठाओगे, तो आप भूल चुके होंगे, बिल्कुल ब्लैंक हो चुका होगा कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो इस प्रॉमिस के साथ डाइवर्सिटी को पढ़ना है कि मैम, इन ऑर्गेनिज्म से मिलने के बाद हम इनसे बीच में मुलाकातें करते रहेंगे, जिससे ये हमारे अच्छे दोस्त बन जाएं। चलिए, तो मिलवाते हैं आपको किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स से। इससे पहले हम किंगडम मोनेरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब बैक्टीरिया के बारे में जितनी डिटेल्स आपके लेवल पर आपको जाननी जरूरी है ना, सब आपको पता है। बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपने सेल चैप्टर में पढ़ लिया। और कौन कौन से ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया के, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सारे आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिए। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और, जो हमने माइकोप्लाज्मा पढ़ा था ना बच्चों, उसमें एक एग्जाम्पल ऐड कर देना। अभी मुझे क्लिक किया, मैंने आपको लिखवाया नहीं था, एक एग्जाम्पल ऐड कर देना। PPLO माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट होते हैं ना, तो PPLO माइकोप्लाज्मा का एक एग्जाम्पल है, और इसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आप अभी ऐड कर लो, ये मैं यहाँ से फिर स्लाइड पे से हटा दूंगी। ठीक है, PPLO ये माइकोप्लाज्मा का एक टाइप है, और ये निमोनिया का पैथोजन नहीं है, ये एक एटिपिकल निमोनिया करता है कैटल्स में। जो हमारे में निमोनिया है उसका पैथोजन तो अलग है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसके नाम में निमोनिया इसलिए आ रहा है क्योंकि ये निमोनिया जैसी एक डिजीज करता है कैटल्स में। ठीक है, तो PPLO माइकोप्लाज्मा है और ये स्मॉलेस्ट सेल में आएगा, ऑप्शंस में आता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हटा दें इसको। चलिए, अब आते हैं हम प्रोटिस्टा किंगडम पर। तो बिल्कुल मोनेरा किंगडम की तरह ही इस किंगडम के भी जो मेंबर्स हैं वो आपको नेकेड आई से तो दिखेंगे नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि ये भी तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का किंगडम है, ये भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का किंगडम है। ठीक है, लेकिन बहुत फर्क है दोनों में। दोनों को साथ में क्यों नहीं रखा जब दोनों सिंगल सेल थे? तो आई हैव टोल्ड यू कि मोनेरा किंगडम में जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं बैक्टीरिया, यानी कि प्रोकैरियोट्स, जबकि प्रोटिस्टा किंगडम में जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी तरह यूकैरियोट हैं, यानी चाहे उनके पास एक ही सेल है बट उनकी एक सेल हमारे सेल के बराबर कैपेसिटी रखती है। उस सेल के पास एक ट्रू न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, GB, ज़रूरत है तो प्लास्टर्स, सब कुछ है उस सेल के पास जो एक यूकैरियोटिक सेल के पास होता है। तो क्या ये बैक्टीरिया की तरह हुए? नहीं, सिर्फ एक ही बात कॉमन है कि बैक्टीरिया भी सिंगल सेल्ड हैं और प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल्ड हैं। तो प्रोटिस्टा के ब्रैकेट में आप यहीं पर लिख दीजिए, दिस इज द किंगडम ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। ये मैंने एक बार और लिखवाया था आपको, है ना, कि भाई ये लाइन आप NCERT में इस चैप्टर के ऊपर कहीं भी लिख के रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, आ गया यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। अब इसका क्या मतलब है भाई, ऑल क्यों लिखा है इन्होंने? वैसे तो यूकैरियोट में फंजाई भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। एक्चुअली पता है ये किंगडम कैसे बना? मैंने आपको बताया भी था कि हर यूकैरियोटिक किंगडम में जो भी सिंगल सेल्ड मेंबर्स थे उनको उठा उठा के आर एच व्हिटेकर ने कहा कि भाई प्रोटिस्टा किंगडम में रखो। फंजाई में ईस्ट अभी भी एक एक्सेप्शन है, ईस्ट में, ईस्ट सिंगल सेल्ड है लेकिन फिर भी उसको फंजाई किंगडम में ही रखा हुआ है, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई से मिलते हैं, इसलिए ईस्ट को अभी भी प्रोटिस्टा में इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है,
तो यीस्ट को अगर हम छोड़ दें तो फंजाई जैसे दिखने वाले जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे उन्हें प्रोटिस्टा में ले आए। प्लांट्स में जो हायर प्लांट्स हैं वो तो सिंगल सेल्ड होते ही नहीं है, मेनली जो एल्गी होती है जो पहला ग्रुप होता है प्लांट्स का उन्हीं में कुछ सिंगल सेल्ड एल्गी हैं, उनको उठाकर यहीं पर ले आए। और एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स आप पढ़ते हो वो सब मल्टी सेलुलर हैं, सिंगल सेल्ड एनिमल्स का जो ग्रुप था प्रोटोजोआ अमीबा प्लाज्मोडियम उनको भी उठाकर कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा में। तो नीट में क्वेश्चन आया था कि भाई वो कौन सा किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज डिफाइंड ही नहीं है, तो बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बाउंड्रीज से क्या मतलब है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी में सेल वॉल है किसी में नहीं है, कोई ऑटोट्रॉफिक है कोई हेटरोट्रॉफिक है। कारण समझ गए, क्योंकि ये किंगडम अलग अलग किंगडम के मेंबर्स को उठाकर बनाया गया है। ओके और इसमें ये भी लिखा है व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट, किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए अगर एक प्रोटिस्ट है जो फोटोसिंथेसिस करता है तो दूसरा बायोलॉजिस्ट उसको प्लांट भी मान सकता है। वो कहेगा भाई ये तो फोटोसिंथेसिस करता है, इसके पास तो सेल वॉल है, इसको प्लांट किंगडम में रखो। बट आर एच व्हिटेकर ने उसको कहाँ रखा, प्रोटिस्टा किंगडम में। ठीक है नाउ, तो इसलिए अलग अलग बुक्स में प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग तरह से बनाया हुआ है, बट हमें तो एनसीईआरटी फॉलो करनी है। तो एनसीईआरटी ने इस ग्रुप में रखा है 5 मेंबर्स को। कौन कौन से 5 मेंबर्स, एक ग्रुप है क्राइसोफाइट्स का, इनके मीनिंग्स बताऊंगी मैं आपको, दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड इज द यूग्लिनॉइड्स, फोर इज द स्लाइम मोल्ड्स एंड फिफ्थ वन इज द प्रोटोजोअन्स। ठीक है, ये पांचों नाम इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है और बहुत आसान है। पहले के तीन तो देखो सी डी ई, इसको सीक्वेंस में याद करोगे ना तो कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली याद होंगे। ठीक है, तो सी डी ई हो गए, क्राइसोफाइट्स डाइनोफ्लैजिलेट्स यूग्लिनॉइड्स और उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, और लास्ट ग्रुप आता है जो एनिमल्स जैसा है, जैसे क्लासिफिकेशन में एनिमल किंगडम लास्ट में आता है ना, वैसे इस ग्रुप में भी एनिमल जैसा ग्रुप प्रोटोजोआ सबसे लास्ट में आता है। ठीक नाउ, ये भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकता है, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, इस किंगडम के ज्यादातर मेंबर्स आपको पानी में मिलेंगे, क्राइसोफाइट हो डाइनोफ्लैजिलेट हो यूग्लिना हो, ये सब तो लगभग पानी में होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स का बिल्कुल अलग नेचर है, बताऊंगी, गार्डन वगैरह में मिलते हैं ये। और प्रोटोजोअस दोनों तरह के हैं, पानी में भी रहते हैं और कुछ हमारे पैरासाइट्स भी हैं। इसमें कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ह्यूमंस को डिजीज करते हैं, वी विल टॉक अबाउट देम। ठीक है, आगे देखें क्या लिखा है, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई, कारण बता दिया मैंने आपको। नाउ अब प्रोटिस्ट की कॉमन बात हो रही है, चाहे कोई भी ग्रुप हो उन पांचों में से, हैं तो यूकैरियोट, तो बीइंग अ यूकैरियोट द प्रोटिस्टेंट सेल कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बिल्कुल प्रोकैरियोट थोड़ी ना है, यूकैरियोट है तो न्यूक्लियस सबके पास होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सबके पास होंगे। अब जिनने सेल बायोलॉजी के सेशंस नहीं देखे, सीधा डाइवर्सिटी से शुरू कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो एक सीक्वेंस होती है डाइवर्सिटी से पहले, वैसे तो पढ़ तो सकते हो बाद में भी सेल को, बट अगर डाइवर्सिटी से पहले सेल बायोलॉजी को नहीं समझोगे तो बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए सेल बायोलॉजी को हमेशा पहले पढ़ा करो, फिर डाइवर्सिटी पे आया करो। बाकी एनसीईआरटी की सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। ओके नाउ, तो क्योंकि ये यूकैरियोट है तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यानी माइटोकॉन्ड्रिया ER, GB, जो भी एक यूकैरियोटिक सेल के पास होता है वो सब है, लाइसोसोम है ना, एंड सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, इनमें फ्लैजिलेटेड भी हैं और सीलिएटेड, सीलिएटेड में पैरामीशियम आता है ना। नाउ प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमने मोनेरा किंगडम में क्या कहा था कि मेजरली वो बाइनरी फिशन करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बट ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली, बट इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, इनमें भी कोई ऐसे मेल गैमीट फीमेल गैमीट जैसा नहीं होता, इनमें सिंपली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो सेल्स का फ्यूजन हो जाता है जिससे जायगॉट बन जाता है, और फिर वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, तो कौन सा मियोसिस होगा, गैमेटिक मियोसिस होगा या जायगॉटिक मियोसिस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ प्रोटिस्टा किंगडम हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, तो प्रोटिस्टा किंगडम में हैप्लॉइड भी हैं और कुछ डिप्लॉइड भी हैं, जबकि मोनेरा किंगडम जो हेडिंग थी ना वहां पर लिख देना हैप्लॉइड, मोनेरा जितने भी हैं बैक्टीरिया बच्चों जितने भी हैं ना वो सब हैप्लॉइड हैं। सोचो क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया के पास तो एक ही DNA होता है, अनपेयर्ड ही होता है, बट ऑब्वियस तो वो हैप्लॉइड ही होगा। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगी हैप्लॉइड क्या है डिप्लॉइड क्या है, बीच बीच में से मन उठा के सेशंस देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, शुरू से सीरीज में चलोगे
डेली आपको कितना सा टाइम निकालना होता है, मुश्किल से 15-20 मिनट, आधा घंटे का। तो डेली आपने अगर ये नियम बना लिया, एक एक सेशन देख रहे हो ना, तो एक भी टर्म ऐसी नहीं हो सकती जो आपको समझ में ना आए। मैं पहले टर्म का मीनिंग बताती हूँ फिर ही आगे बढ़ती हूँ। तो हैप्लॉयड डिप्लॉयड में बता चुकी हूँ, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई, तो प्रोटिस्टा किंगडम के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए। रिप्रोडक्शन के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं मेनली, यू नो, ये बाइनरी फिजन ही करते हैं। ये भी बताया था सेल पढ़ाते वक्त कि बाइनरी फिजन मोनेरा में भी होता है और बाइनरी फिजन अमीबा वगैरह में भी तो होता है, कितना कॉमन आता है नीट में क्वेश्चन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये सेल फ्यूजन एंड जायगॉट फॉर्मेशन, दो सेल्स का फ्यूजन हो जाता है और उससे जायगॉट बन जाता है। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। अब मिलवाते हैं तुम्हें इनके पांचों ग्रुप से। अब देखो, वैसे तो हम इनके पांचों ग्रुप्स को एनसीईआरटी से अलग अलग पढ़ेंगे, बट दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं। एक तो सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट है कुछ में नहीं है, और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ ऑटोट्रॉफिक हैं कुछ हेटरोट्रॉफिक हैं। तो बहुत आसान तरीका है, तुम भी ये छोटी सी टेबल बना लेना कि जो पांच ग्रुप है ना, पहले तो उनको सीक्वेंस में लिख लो, सी डी ई, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स, ठीक है, एस पी याद कर सको तो, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स, तो सी डी ई एस पी हो गया। अब देखो बहुत आसान है, अब इन पांच में से दो को एक तरफ कर दो, दो को एक तरफ कर दो और एक को अलग कर लो बीच वाले को, ठीक है। ये जो दो है ना, दोनों बिल्कुल प्लांट्स की तरह होते हैं। इन दोनों ग्रुप्स में प्लांट्स की तरह सेल वॉल भी होती है, और ये दोनों ही प्लांट्स की तरह ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, बिकॉज दे हैव पिगमेंट्स, क्लोरोफिल होता है इनके पास, ठीक है। जो लास्ट के दो ग्रुप्स हैं एसपी, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स, ये दोनों क्या है, इन दोनों में ही सेल वॉल नहीं होती, इन दोनों में प्रेजेंट थी तो इन दोनों में एब्सेंट है, और दोनों ही हेटरोट्रॉफ हैं। ये दोनों प्लांट्स की तरह ऑटोट्रॉफ थे, ये फंजाई और एनिमल्स की तरह हेटरोट्रॉफ हैं, ठीक है। और ये जो ग्रुप है ना यूग्लिनॉइड्स, इसने कहा कि भाई मैं ना यहाँ फिट हो रहा हूँ ना यहाँ फिट हो रहा हूँ, मैं दोनों के कैरेक्टर्स रख लेता हूँ। कैसे, यूग्लिनॉइड्स यानी कि यूग्लिना जिसमें आता है, उसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है, अभी हम पढ़ेंगे, कि उनकी सेल के चारों तरफ, मतलब सेल मेम्ब्रेन तो है ही, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल तो नहीं होती, बट सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, पेलिकल। क्या कहते हैं उस लेयर को, पेलिकल। पेलिकल प्रोटीन रिच होती है, पी फॉर पेलिकल, पी फॉर प्रोटीन, ठीक है, जो इनको रिजिड नहीं बनाती, इट इज़ नॉट रिजिड लाइक अ सेल वॉल, इट इज़ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरह फोटोसिंथेसिस भी कर लेंगे और तुम्हारी तरह प्रेडेटर भी बन जाएंगे, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। तो यूग्लिना की सबसे अच्छी, सबसे खास बात है कि यूग्लिना ग्रीन कलर के होते हैं, जब सनलाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेते हैं, और जब नहीं होती है, पानी में रहते हैं, तैरते रहते हैं, तो शिकारी की तरह शिकार करके जो भी छोटे छोटे एनिमल्स वगैरह हैं उनको पकड़ के खा जाते हैं, ठीक है, जो प्लांक्टन्स वगैरह तैर रहे हैं उनको पकड़ के खा जाते हैं। तो ये दोनों की तरह कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, इसलिए बहुत बार क्वेश्चन आता है विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो आपको ध्यान रखना है यूग्लिनॉइड्स यानी कि यूग्लिना, ठीक है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो तुम्हें ऐसे याद हो गए ना, इतनी बड़ी टेबल नहीं बनाएंगे तो बिल्कुल शॉर्ट में बना लेना, सेल वॉल प्रेजेंट इन दो, और यहाँ पर दोनों में एब्सेंट, बीच वाले में पेलिकल, इधर ऑटोट्रॉफ, यहाँ हेटरोट्रॉफ, और बीच वाले में ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेटरोट्रॉफ, दोनों है, ठीक है। छोटा सा एक डब्बा बना के एनसीईआरटी में रख दो, आगे बढ़े। अब हम वन बाय वन इन ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप के बारे में जानते हैं, दैट इज क्राइसोफाइट्स। देखो हर वर्ड का मीनिंग है, क्राइसो वर्ड का मतलब होता है एक तरह से गोल्ड, नॉट एग्जैक्टली गोल्ड, यू समझ लो गोल्ड के कलर का, जो हल्का सा येलोइश हो, ठीक है, दैट इज गोल्ड। तो क्राइसोफाइट्स और फाइटा वर्ड किसमें आता है, बताओ बताओ तुम्हें, प्लांट्स के लिए नहीं आता, ब्रायोफाइट्स, स्टेरिडोफाइट्स, प्लांट्स के रेफरेंस में आता है फाइट्स। तो ये प्लांट्स के जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि इनके पास सेल वॉल भी है, ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं, बट इनका जो कलर है उनमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स गोल्ड के कलर के, येलोइश कलर के होते हैं। इसमें कई सारे ग्रुप्स आते हैं बच्चों, मतलब क्राइसोफाइट में कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल है गोल्डन एल्गी। आ गया ना गोल्ड एल्गी, क्योंकि प्लांट्स हैं और गोल्डन, ठीक है। दिखाऊं इसका पिक्चर, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, बट ये देखो ये है गोल्डन एल्गी, है तो बिल्कुल ग्रीन कलर की एल्गी की तरह, सिंगल सेल्ड है लेकिन ये, ठीक है। एल्गी जो आप ध्यान रखना, देखो बच्चों एल्गी आप जब पढ़ोगे ना प्लांट किंगडम में, तो एल्गी मोस्टली मल्टी सेलुलर हैं, जितनी भी यूनिसेलुलर एल्गीज थी उनको अलग कर दिया गया है, मोस्ट ऑफ, कुछ अभी भी हैं जो एनसीईआरटी में इक्का दुक्का एग्जाम्पल आ जाता है, वो मैं बताऊंगी एल्गी पढ़ाते वक्त, बट मोस्ट ऑफ द जो सिंगल सेल्ड एल्गी थी उनको अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ एल्गी ही हैं जो ग्रीन भी हैं और इनमें गोल्डन कलर भी दिखाई देता है बिकॉज ऑफ सम पिगमेंट्स, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो गोल्डन एल्गी हैं जिनका कि नाम है डेसमिड्स, वो किस में आती हैं? वो आती हैं क्राइसोफाइट्स में। अभी जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको बड़ा नया नया लग रहा होगा, जैसे हम किसी पर्सन से पहली बार मिलते हैं, कुछ नहीं जानते उसके बारे में, बिल्कुल ब्लैंक है, तो क्या समझ में आ जाता है क्या सब कुछ? नहीं ना। फिर और मिलते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं, तो बस ऐसे घबराना नहीं है कि यार ये क्या आ गया नया, ये कैसे याद रहेगा। जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार टेस्ट दोगे, ये आपके दोस्त बन जाएंगे, ठीक है? तो गोल्डन एल्गी या डेसमिड्स जो हैं वो किस ग्रुप में आते हैं? क्राइसो, क्योंकि क्राइसो मतलब गोल्ड, ठीक है? तो एक ग्रुप, तो एक एग्जाम्पल तो गोल्डन एल्गी हो गया। दूसरा जो एग्जाम्पल है ना इस ग्रुप का, जिसका नाम है डायटम्स। डायटम्स ये क्या होते हैं? डायटम्स ये देखो, मतलब दिखने में कहीं से लग रहा है क्या कि ऑर्गेनिज्म है? ऐसा लग रहा है कोई छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं समुद्र में, ओशियंस में रहते हैं, ठीक है, मरीन है, तो ये भी लगभग मरीन है, सब एक्वेटिक हैं, भी हम सब लोअर ऑर्गेनिज्म सब पानी में रहते हैं, ठीक है? तो ये जो डायटम्स हैं, ये पता है ऐसा लगता है कि जैसे एल्गी को किसी ने कांच के डब्बों में बंद कर दिया हो। कांच क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि ये जो डायटम्स हैं इनका एक और फीचर है क्या भाई, इनके पास भी सेल वॉल है, इनके पास भी है, दोनों क्राइसोफाइट में आते हैं। इनकी सेल वॉल तो प्लांट्स की तरह सेल्युलोजिक है, इनकी सेल वॉल में सेल्युलोज तो है ही, प्लस उसमें सिलिका है, और सिलिका कैसा होता है केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, ट्रांसपेरेंट। ग्लास भी तो सिलिका की वजह से ही ट्रांसपेरेंट होता है ना, ग्लास बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, उनमें से एक होता है सिलिका, ठीक है? जो टफनेस होती है ना ग्लास में, वो सिलिका की वजह से होती है, सिलिका एक टफ मटीरियल है और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है? तो वैसा ही सिलिका क्या होता है, इनकी सेल को चारों तरफ से घेर के रखता है, और घेरता भी पता है कैसे है, जैसे वो नहीं होता सोप बॉक्स, साबुनदानी, जिसमें दो फ्लैप होते हैं जनरली, तो बिल्कुल वैसे ही अगर हम इनकी एक सेल को माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें कांच के ऐसे लगता है दो फ्लैप है, जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स, ठीक है? इसीलिए इनका नाम पड़ा डाई, ठीक है? तो दे आर कॉल्ड डाई एटम्स बिकॉज दे आर, मतलब एक तरह से डाई वर्ड कहाँ से आया, क्योंकि इनके पास सिलिका के दो ओवरलैपिंग शेल होते हैं, ठीक है? लिखा है एनसीईआरटी में सारे पॉइंट, अभी बताती हूँ। तो देखो जरा क्या लिखा हुआ है, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, दो एग्जांपल याद रखने हैं आपको। दे आर फाउंड मरीन में तो होते ही होते हैं, प्लस फ्रेश वाटर में भी होते हैं। अब आप क्या करते हो, पूरा का पूरा अंडरलाइन करते जाते हो पूरी एनसीईआरटी को, एग्जाम रिवाइज करते वक्त पता ही नहीं चलता क्या पढ़ना है और क्या नहीं। सिर्फ जो की वर्ड्स हैं जिन पर मैं सर्कल कर रही हूँ उन्हीं को सर्कल करो, ठीक है? और जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको हाईलाइट कर देंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक, रटने की बात है क्या, सिंगल सेल्ड है तो माइक्रोस्कोपिक ही होंगे। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, इनके पास कोई सीलिया फ्लैजिला नहीं है, देखो है क्या कोई सीलिया फ्लैजिला है जिसके थ्रू ये स्विम कर सके, नहीं है। तो कैसे फ्लोट करेंगे पानी में, पैसिवली, जिस तरफ पानी की धारा जा रही है, वाटर करंट जा रहा है, उसी के साथ चल देंगे। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स बायो में कहलाते हैं प्लैंकटन्स, ये कीवर्ड है। सिर्फ यही अकेले प्लैंकटन्स नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पानी में पैसिवली फ्लोट कर रहा है, जिसके पास सीलिया फ्लैजिला नहीं है, उनको आप प्लैंकटन्स कह सकते हो, ठीक है? अब अगर वो प्लैंकटन फोटोसिंथेटिक है तो उसे कह देते हैं फाइटोप्लैंकटन, अगर नहीं है एनिमल की तरह खा रहा है तो उसे कह देते हैं ज़ूप्लैंकटन, ठीक है? हेटरोट्रॉफ है तो ज़ूप्लैंकटन, मतलब इसमें नहीं और भी बहुत सारे प्लैंकटन्स होते हैं। तो प्लैंकटन का मतलब जो पैसिवली फ्लोट करें, अगर प्लांट्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि ये वाले ऑर्गेनिज्म तो फाइटोप्लैंकटन, अगर एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो ज़ूप्लैंकटन, ठीक है? क्लियर? तो प्लैंकटन वर्ड अब कभी भी यूज होगा बायो में तो कंफ्यूज नहीं होगा कि मैम प्लैंकटन क्या होता है, ठीक है? मीनिंग वोकैबुलरी में ऐड कर लो अपनी। नाउ मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये मोस्ट आ जाता है ना तब बड़ी दिक्कत आ जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शन भी होगा, बट ठीक है, जो एक्सेप्शन एनसीईआरटी में दिया है हमें वही पढ़ना है। तो मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, प्लांट्स की तरह है, फाइट आ रहा है टर्म में। इन डायटम्स, अब डायटम्स की एक स्पेशल बात की है, क्या अभी सबके लिए नहीं है, सिर्फ डायटम्स के लिए ही बात कर रहे हैं, ठीक है? अलग से हाईलाइट करते हैं हम इसको। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल जस्ट लाइक अ विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स, ठीक है, साबुनदानी की तरह। द वॉल्स आर, ये जो वॉल्स हैं शेल है, दे आर एम्बेडेड विथ सिलिका, और सिलिका कैसा होता है, सिलिका एक तो ट्रांसपेरेंट होता है प्लस इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, टफ होता है, ठीक है? सिलिका कैसा है, यहां पर लिख देना, ट्रांसपेरेंट भी है और टफ भी है, इंडेस्ट्रक्टेबल भी है, समझ में आ रही है बात? तो होता क्या है, इनमें इनका एक बहुत अच्छा इकोनॉमिकल यूज है कि जैसे जैसे बहुत सारे होते हैं डायटम्स ना ओशियंस में, बहुत बड़ा नंबर होता है इनका, अब मरेंगे भी बट ऑब्वियस, तो डायटम्स मरते जाते हैं, लेकिन जब ये मरते हैं तो इनकी सेल तो डिकम्पोज हो जाती है,
लेकिन सेल के चारों तरफ जो सिलिका का शेल है वो खत्म नहीं होता, वो ऐसे सिलिका के छोटे छोटे टुकड़े देखो इकट्ठे होते रहते हैं, है ना। और पानी में जब वो टुकड़े इकट्ठे होते, तो पानी आपको पता है ना, समुद्र में जो भी चीज़ें होती है उनको पानी एकदम फ्लो के साथ किनारों पर फेंक देता है, तो जो बहुत सारे जो सिलिका के शेल्स हैं इनके, कई बिलियन ऑफ ईयर्स तक ओशियंस उनको फेंकते रहे और चारों तरफ वो इकट्ठे होते रहे। तो ओशियंस कई, जहाँ पर ये कॉमनली रहते हैं उन ओशियंस के पास कई थिक लेयर्स, मतलब कई लेयर्स मोटी एक क्या बन गई, एक अर्थ टाइप बन गई। अर्थ का मतलब यहाँ अर्थ से नहीं है, यूँ समझ लो एक मोटी लेयर बन गई ओशियंस के जो किनारे हैं, जहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है, सैंड पड़ी हुई है, उस सैंड पर इतनी मोटी मोटी लेयर्स बन गई हैं इन सिलिका के शेल्स की, और उसी को आप कहते हो डायटोमेशियस अर्थ। अब यहाँ पे बच्चे जब पढ़ते हैं ना अर्थ, सोचते हैं यार अर्थ क्या कोई नया प्लैनेट है क्या, नहीं। अर्थ पे जस्ट ओशियंस के बाउंड्रीज पर जहाँ पर डायटम्स रहते हैं वहाँ पर इनके शेल इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि ये सिलिका के शेल हैं, सिलिका के बने हुए हैं, और सिलिका कैसी है, इनडिस्ट्रक्टेबल है। तो जब हम ह्यूमंस को पता चला इस डायटोमेशियस अर्थ के बारे में, पहले तो देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स, ठीक है, इन देयर हैबिटेट। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं इसको बनने में, इज रेफर्ड एज डायटोमेशियस अर्थ। और इस डायटोमेशियस अर्थ का हमारे लिए क्या यूज़ है, क्योंकि अभी आपने फोटोग्राफ में देखा ये कैसी है, इसके मतलब जैसे लेयर्स बन गई ना, उसमें उनको तोड़ लेते हैं और उसको पाउडर बना लेते हैं, तो वो पाउडर कैसा होता है, ग्रिटी टाइप का होता है, मतलब खुरदुरा होता है। तो उस पाउडर को यूज़ करते हैं किसमें, इट इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। या तो पॉलिशिंग, जैसे कोई भी ऑर्नामेंट से उनको चमकाना है तो उनको चमकाने के लिए कोई खुरदुरा पाउडर ही तो चाहिए, तो डायटोमेशियस अर्थ। और आपको पता है सिलिका का एक और नेचर है, सिलिका इनर्ट होता है, इनर्ट, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा कोई भी ऑर्नामेंट्स हैं उनके, जो भी जिसके भी बने हैं गोल्ड वगैरह के ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो इसको पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है, प्लस ऑयल्स एंड सिरप्स के फिल्ट्रेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। अब कैसे करते हैं वो आपको डिटेल में समझना भी नहीं है, तो बस आप तो ध्यान रखना कि क्योंकि ये ग्रिटी है, पोरस है, इसलिए दे कैन यूज्ड इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ठीक है। और वैसे एक और यूज़ बताऊँ आपके नॉलेज के लिए, ये वो भी होते हैं साउंड प्रूफ, तो कई बार साउंड प्रूफ वॉल्स बनाने में भी इस डायटोमेशियस अर्थ को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट क्लाइसोफाइट्स के बारे में। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो कि नीट में कई बार आई है, क्योंकि ये डायटम्स ओशियन में रह रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, तो क्या हम इन डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन कह सकते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। भाई आप खुद सोचो ना, ओशियन में खारा पानी होता है तो वहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स तो होते नहीं हैं, ज़्यादातर जो ग्रीन एल्गी वगैरह हैं वो तो कहाँ होती हैं, वो तो हमारे फ्रेश वाटर में होती हैं, ठीक है। ओशियंस में रेड एल्गी वगैरह मिलेंगी आप प्लांट किंगडम में पढ़ोगे, बट प्लांट्स तो ज़्यादा नहीं है ना फिर दूसरे, तो फिर ओशियंस में कौन करेगा फोटोसिंथेसिस, तो ओशियंस में ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस क्राइसोफाइट्स और उनमें भी डायटम्स करते हैं, तो डायटम्स कौन हुए, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन हुए। कई बच्चे तो यही कोरिलेट नहीं कर पाते यार, प्रोड्यूसर तो प्लांट होते हैं, डायटम प्लांट कैसे हुए, डायटम तो हमने प्रोटिस्टा किंगडम में पढ़े थे, बट यू हैव टू रिमेंबर ये तो प्लांट्स की तरह दिख ही रहे हैं, डायटम्स भी फोटोसिंथेटिक हैं। ऐसे मत सोचना कि ये सिलिका के अंदर बंद हैं तो ये सेल्स नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, ये भी पूरा ग्रुप क्राइसोफाइट्स का फोटोसिंथेटिक ही है, ये सब भी क्या हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये गोल्डन एल्गी हो गए, ये एल्गी इन ग्लास हाउस हो गए, ऐसे भी याद रख सकते हो उसको आप, फोटोसिंथेटिक की जगह ना ऐसे भी याद रख सकते हो। एल्गी ये भी एक तरीके के एल्गी हैं जो कि कांच के घरों में बंद हैं, सिलिका के शेल में बंद हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो ये हुई किसकी, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्राइसोफाइट्स के। बढ़े आगे, नेक्स्ट आता है कौन सा ग्रुप बताओ, डायनोफ्लैजिलेट्स। अब इनका नामकरण कैसे हुआ भाई, बहुत आसान है, नाम से ही पता चल रहा है, डायनो मतलब टू, फ्लैजिलेट्स क्योंकि इनके पास फ्लैजिला है। अब ये भी प्लांट्स की तरह ही तो हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, इनके पास भी सेल वॉल है, ये भी फोटोसिंथेटिक हैं, तो इसको भी हम कोरिलेट नहीं कर पाते एग्जाम में, क्योंकि हमें लगता है यार प्लांट्स में तो फ्लैजिला होते ही नहीं है नॉर्मली, तो ये एक इस तरह के प्लांट्स ही हैं जो सिंगल सेल्ड हैं, तो इनको प्लांटिक किंगडम में नहीं रखा, उठा के प्रोटिस्टा में शिफ्ट कर दिया, और साथ में ये समुद्र में तैर भी सकते हैं बिकॉज इनके पास दो फ्लैजिला है। और देखो इनकी दो फ्लैजिला भी कितनी इंटरेस्टिंग है, अब देखो इन्हें देखकर तुम कह सकते हो कि ये ऑर्गेनिजम्स हैं, बिल्कुल ये भी ऑर्गेनिजम्स हैं, और इवन
ये कलरफुल ऑर्गेनिजम्स हैं। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है देखो कि दे अपियर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, अलग अलग बहुत सारे कलर्स में होते हैं ये, ठीक है। बट किसी भी कलर में हो, हैं सारे फोटोसिंथेटिक, ये बात मत भूल जाना, हैं सारे फोटोसिंथेटिक, क्योंकि इनके पास ग्रीन पिगमेंट्स तो हैं ही हैं, क्लियर। तो क्या इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, डायनोफ्लैजेलेट क्यों कहा इनको, सेल वॉल है क्या इनके पास, प्लांट्स की तरह है तो सेल वॉल भी है। अब इनकी सेल वॉल जब बनती है ना, तो इनके मतलब जो सरफेस है उसमें कुछ फरो रह जाती है, फरो समझते हो, खांच। जैसे मान लो कोई भी एक टेबल है, उसमें मैं एक फरो बना दूं, है ना, एक स्पेस मतलब थोड़ा सा उसको घिस दूं बीच में से, तो एक फरो बन जाएगी। तो इनकी जो सेल वॉल है उसमें दो फरो होती है, एक ट्रांसवर्स फरो होती है और एक लॉन्जिट्यूडनल फरो होती है। तो ये इनकी जो आपको दिख रही है, दिस इज द ट्रांसवर्स फरो, और एक यहाँ पे साइड में दिख रही है आपको, दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल, इसमें कम दिख रही है, लॉन्जिट्यूडनल फरो, ठीक है। जो इनके दो फ्लैजिला हैं वो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिकली इन फरो में होते हैं। एक फ्लैजिला होता है ट्रांसवर्स फरो में, दैट इज हॉरिजॉन्टल फ्लैजिला, और ये ऐसे पूरा गोल घुमा हुआ इधर, है ना। और जो दूसरा फ्लैजिला है वो होता है कहाँ पर, वो होता है कहाँ पर, लॉन्जिट्यूडनल फरो में, ठीक है। तो दोनों फ्लैजिला, एक ये फ्लैजिला हो गया, एक ये फ्लैजिला हो गया, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हो गए क्या। तो देखें क्या एनसीईआरटी में लिखा है, कि क्या लिखा है यहाँ पर, मोस्ट ऑफ देम हैव, ये मोस्ट ऑफ वर्ड हमेशा लगा देते हैं, है ना, हाईलाइट करो उस पॉइंट को, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाई लॉन्जिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली, अदर ट्रांसवर्सली, एक बात तो ये, और दूसरी बात फ्लैजिला कहाँ होती है, फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। जब इनकी सेल वॉल बनती है तो उस सेल वॉल में जो प्लेट्स बनती हैं, फरो बनती है सॉरी, उस फरो में इनके फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया क्या, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डायनोफ्लैजिलेट्स। डन, ये पॉइंट क्लियर है। कलर कई सारे हैं, मोस्टली मरीन हैं, समुद्रों में मिलेंगे ये, नदियों में नहीं होते, ठीक है। तो दे आर मोस्टली मरीन, जैसे डायटम्स थे बिल्कुल वैसे ही, एंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेटिक। तो भूल मत जाना कि भाई डायनोफ्लैजिलेट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये भी अपने पहले वाले ग्रुप की तरह, प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेटिक हैं। इनके पास भी प्लांट्स की तरह सेल वॉल होती है, सेल वॉल में स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स होती हैं। अब बस जो सेल्यूलोज का जो मतलब जो सेल्यूलोज प्रेजेंट है ना, वो एकदम एक जैसा कंटिन्यूस ना होके सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं जिससे सेल वॉल बनी है, इसी वजह से फरो बन पाती है, ठीक है। तो तुम याद रखना, दे हैव स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल खुद भी सेल्यूलोज का बना हुआ है और उस पर स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स भी लगी हुई हैं। डन, देन अब इनके कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो सब में नहीं होते, किसी किसी में हैं। जैसे कि इसमें एक पॉइंट बताया आपको, बहुत बार क्वेश्चन आया नीट में इस पर, वेरी ऑफन, स्टार बना देना, वेरी ऑफन एक रेड कलर का डायनोफ्लैजिलेट होता है बच्चों, जिसका नाम है गोनियोलेक्स। ये तो आपको याद करना ही करना है, इस वाले ग्रुप में एग्जाम्पल्स ज़्यादा नहीं है, बस एक ही एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स, एक और मैं लिखवाऊंगी। तो गोनियोलेक्स रेड कलर का डायनोफ्लैजिलेट है, और ये क्या करता है, इट अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपियर रेड। जब ये मल्टीप्लाई करने लगता है ना, तो ऐसा लगता है समुद्र में कोई रेड कलर का कोई केमिकल पूरे में फैल गया है। ये देखो, इस तरह की अपीयरेंस हो जाती है उस ओशियन के वाटर की, समुद्र के पानी की, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेड टाइड। तो नीट में पूछते हैं कि भाई रेड टाइड इज कॉज्ड बाय, तो रेड टाइड कौन कर रहा है, गोनियोलेक्स कर रहा है, ठीक है। गोनियोलेक्स, जो सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं वो स्पेलिंग्स भी ध्यान करें, गोनियोलेक्स, GONY, गोनियो AULAX, लेक्स, ठीक है, रेड टाइड ध्यान रहेगा। और ये कोई अच्छी कंडीशन नहीं है कि भाई बढ़िया है समुद्र का पानी रेड हो गया, दिस इज अ टॉक्सिक कंडीशन, क्योंकि ये वाले जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो कुछ टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये पानी टॉक्सिक हो जाता है। इस पानी को अगर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो यूज़ करेंगे तो दे कैन डाई। लिखा है टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स मे इवन किल अदर मरीन एनिमल्स लाइक फिशेज या जो भी है, उनको ये किल कर देता। तो रेड टाइड कोई अच्छी कंडीशन नहीं है, किसकी वजह से होती है, गोनियोलेक्स की वजह से होती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ऐड करो यहाँ पर, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है बच्चों, दैट इज नॉक्टी ल्यूका। नॉक्टी वर्ड का मतलब होता है नाइट, और ल्यूका वर्ड का मतलब होता है टॉर्च। इनका कॉमन नेम है नाइट टॉर्च, ये ऐसे दिखते हैं, ये रहे।
इन ये लाइट एमिट करते हैं। रात में अगर बहुत सारे नॉक्टिल्यूका किसी पानी में पड़े हुए हैं तो ऐसा लगेगा आपको कि पानी में किसी ने छोटे छोटे बल्ब जला दिए हैं। जैसे कई सारे दिए एक साथ जला देना हम पानी में तो कितना सुंदर व्यू आता है, बिल्कुल वैसा व्यू आता है नॉक्टिल्यूका से। तो ये क्यों रात में चमक रहे हैं? बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। अब ये नीट में क्वेश्चन भी आता है, आपकी एनसीईआरटी में 2-3 जगह आएगा ये वर्ड। इसमें नहीं है ये एग्जाम्पल, बट बायोल्यूमिनी जुगनू तो सब जानते हो ना। जुगनू क्यों चमकता है रात में? क्योंकि जुगनू के पास भी ये वाली प्रॉपर्टी होती है। कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रात में लाइट एमिट करेगा वो अंधेरे में चमकता हुआ ही तो दिखेगा। तो बस इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस मतलब चमकना, ल्यूमिनेसेंस का मतलब जो भी लाइट एमिट करे, और अगर वो लाइट एमिट कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, जिसका एक एग्जांपल है जुगनू, एक हो गया नॉक्टिल्यूका, एक तुम एनिमल किंगडम में पढ़ोगे टीनोफोरा फाइलम, वहां पर आएगा। ठीक, क्लियर। तो नॉक्टिल्यूका एग्जांपल ऐड कर देंगे, तो दो एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। तो दो इसमें डायटम्स एंड डेसमेट्स, और दो इसमें नॉक्टिल्यूका एंड गोनियोलेक्स। ठीक है, अगर समझ के पढ़ोगे ना तो ज़्यादा ट्रिक्स भी नहीं बनानी पड़ेंगी कि किसके लिए कौन सी ट्रिक है, फिर ये भी याद करना पड़ता है और फिर ट्रिक्स को भी रिवाइज करना पड़ता है। तो मैं तो ज़्यादातर यही कहती हूँ बच्चों को कि ठीक है, जहाँ पर कुछ भी लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा वहाँ पे ट्रिक्स लगा लो, बट जितना हो सके चीज़ों को समझो, रिवाइज करो, तो आपको ट्रिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। तो आज हम ये दोनों ग्रुप्स ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन में वी विल कम्प्लीट दिस प्रोटिस्टा किंगडम विद युग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। ओके, गुड बाय।